हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। मैं फरमान बेग। आज है ईद उल फितर 2023, तो लेट्स सेलिब्रेट ईद 2023 टुगेदर। हम मस्जिद पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नमाज से पहले का कुछ मंजर है। लोग नमाज से पहले नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये नमाज़े ईद उल फितर का कुछ मंजर था और नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से प्यार जताते हुए गले मिलते हुए। और ये ईद की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई अगर जान पहचान का भी नहीं है, कोई नोन अगर नहीं है, तो वो भी गले मिलता है। और ये हमारी फैमिली है, ये हमारे घर के कुछ अफराद हैं जो आपस में ईद मिलते हुए, और दानिश भाई, साहिल भाई आपस में ईद मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा मोमेंट है हर बेटे के लिए कि अब अपने बाप के गले लगे। और मुझे ईद इसीलिए ही पसंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने वालिद साहब से गले मिला हूँ, बहुत सुकून मिला। और ईद के बाद हमारे खलीफा दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोलते हुए, और ये कुछ भाई हैं हमारे जो पानी तकसीम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा देख के, तो सोचा रिकॉर्ड करके आपको भी दिखा दूँ। और माशाल्लाह कुछ ये मंजर रहता है ईद की नमाज़ के बाद, सभी लोग ईद की नमाज के बाद अपने घर की तरफ पढ़ते हुए, और ये हाशिम और फाजिल भाई प्यार जताते हुए या ईद मिलते हुए। ईद मुबारक हो मुझी ब्रो। ईद मुबारक मेरे भाई। नीचे आजा, नीचे आजा। नहीं मैं छोटा हूँ ना, इतना लंबा भी हूँ। ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आओ खलीफा, मुबारक मेरे भाई, मुबारक। क्या कर देंगे, ईद मुबारक मेरे भाई को। भाई से प्यार है और ये सबका प्यार। ईद मुबारक हो मेरी जान। ये अपना, ये कौन है, ये मोटा भाई है और ये छोटा भाई है, यानी कि बड़ा भाई, यानी कि अंबानी। अंबानी नहीं, मैं रब्बानी हूँ। आप कौन हो साहब? आप कौन हो? मैं साहिल। 30 दिन की फास्टिंग के बाद एज अ दिल्ली वाला मुझे छोले भटूरे की बहुत क्रेविंग थी, तो मैंने फटाफट से छोले भटूरे का ब्रेकफास्ट किया, छोले भटूरे पैक कराए। और ये आप देख सकते हैं, सारे छोले भटूरे इन्जॉय कर रहे हैं हमारे घर में। और छोले भटूरे के बाद ये कुछ ऑथेंटिक डिशेज हैं जो बेसिकली ईद पे ही बनती हैं। कीमा, ये है आपके सामने शीर खुरमा, और क्या ही लजीज शीर खुरमा था, हैवी ग्रेवी के साथ, थिक ग्रेवी के साथ। और एज़ यूजुअल बिरयानी, बिरयानी तो हर ओकेशन के लिए मस्ट है। और ये कुछ एडिशनल में बनते हैं, छोले बनाए जाते हैं, बहुत ही लाजवाब छोले थे, मैं ट्राई कर चुका हूँ। और ये है स्पेशल खेमामी सेवई। हम आए आज मूवी देखने भाई जान, मगर हमारे भाई की वजह से हम 15 मिनट बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, लेट पहुंच चुके हैं। भाई मेरी तो टिकट हो गई है फ्री, हमारी लगी थी शर्त, हम तीनों के बीच में इसका फरमान भाई और आशिम भाई गए यार, तो मेरी टिकट फ्री है, मैं तो फ्री। और शर्त नहीं बतानी है क्या? मैं फ्री की तो नहीं, शर्त नहीं बतानी है, ये दोनों भाई हमारे साथ। हालांकि इसकी जो मूवी की टिकट आज फ्री है हम दोनों की तरफ से है, लेकिन स्टिल ये लेट आया। हम ये देखने आए आज, कौन सी देखना है, किसी का भाई किसी की जान, सुन तो लो, जिसमें जिसमें सलमान भाई ने घुटनों में बैठ बैठ कर डांस करा। ये साले दोनों निकम्मे जो हैं। टिकट लेना था ऑफलाइन, ऑफलाइन टिकट मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये सीधा थर्ड फ्लोर पे ले आए निकम्मे कहीं के। मुझे लग रहा है ये लिफ्ट आज दिल्ली मेट्रो हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ
सारे स्टेशन पे रुके हुए हैं। आए थे किसी का भाई किसी की जान देखने इसके मौके पर, और अभी है इंटरमिशन। आधी मूवी हम देख चुके हैं और आधी मूवी देखने के बाद समझ में आ रहा है कि फैमिली वाली मूवी है, इतना भी नहीं है जितना लोग बोल रहे थे। तो मुझे एक बार समझ में नहीं आई, एक फाइट सीन दिखाया है उसमें वेपन आ गए मेट्रो के अंदर, वेपन तो छोड़ो KTM लिया है राघव, KTM लिया था वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी है मूवी, होल्ड बांध करके रखा हुआ है। आप आए देखें, मजेदार मूवी लगी मुझे तो। बाकी इंटरमिशन के बाद का मैं आपको बताता हूँ पक्की बात। हेलो गाइस, तो जैसा मैंने आपको इंटरवल से पहले बताया था कि मूवी ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी मूवी देख ली। आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सलमान भाई की मूवी और लॉजिक साथ में नहीं होते बिल्कुल भी, बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। तो मूवी अच्छी जा रही थी, सब ठीक जा रहा था, बट क्लाइमेक्स के टाइम पे कुछ ऐसा सीन होता है जिसके वास्ते मेरा मानवता से विश्वास ही उठ गया। तो क्या सीन है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्शन सीन था क्लाइमेक्स का, सलमान भाई की और जो विलन है उसकी फाइट हो रही थी, और सलमान भाई ले डाउन ऑन द रोड। सलमान भाई उठ नहीं रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो गए थे। देन कुछ ऐसा हुआ और सलमान भाई उठ गए। आप गैस कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, कोई दिव्य शक्ति आ सकती है, कोई प्रे कर सकता है, वो एंगल समझ में आता है ठीक है। मूवी में पता क्या हुआ, सीटी बजाई और सलमान भाई उठ गए। और मैंने अपनी लाइफ में सीटी से कबूतर उठते हुए तो बहुत पहले देखे थे, इतनी बार देख चुका हूँ। सीटी से मैंने सलमान भाई या हीरो में पावर आते हुए पहली बार देखा मैंने। तो आप देखो, मैं तो मेरे हिसाब से तो वर्दी क्या, अगर आप ज़रा से भी लॉजिकल हो तो ये मूवी आपको समझ में नहीं आने वाली है। फैब वेंचर्स की कंप्लीट फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, आपकी सारी विशेज पूरी हों, आप लाइफ में बहुत अचीव करें, बहुत आगे बढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और